जी, अगर क्योंकि अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो जुग जुग जियो वाला जो ट्रैक था उस पर आपके वासी, आपके एक दोस्त ने आपको बताया कि यार दिस इज योर जी ट्रैक, और आपने रिकॉर्ड कर चुके थे वो, जी जी और आपको पता ही नहीं था, तो अगर वो क्या था? वो कुछ नहीं था, वो गाना जुग जी जुग जी वालों का था, ये नच पंजाबन जी मैंने गाया जी जी था। जी तो उन्होंने मेरे से गवा लिया, गवा के मुझे बताया नहीं, कुछ बोला नहीं, टाइम निकल गया। 3 महीने के बाद मैंने उनका पोस्टर देखा, तो मैंने उनको मैसेज फ़ोन किया कि आप लोगों ने मेरी वोकल यूज़ की है, जी तो मैंने म्यूज़िक डायरेक्टर को कॉल किया। जी रिश्वत तो जी हाँ, जी तो मैंने बोला कि की है वो, कहता कि नहीं। तो मैंने कहा ओके, मुझे लगा कि नहीं पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट डे उनका ट्रेलर आया, तो उसमें मेरी आवाज़ थी। तो मुझे यार मतलब ये तो बोल रहा था नहीं यूज़ की, तो मैंने उसको कॉल किया, मैं कह यार मैं आपने बोला था नहीं की, तो उसमें तो मेरी आवाज़ है, वो क्यों यूज़ की? तो अब उसके पास आंसर तो कोई था नहीं, तो मैंने उसको बोल दिया कि यार मुझे करना नहीं है, जी तो ऐसे करो या मैं स्ट्राइक मारूंगा या आप निकाल दो। जी तो मैंने ये कह के रख दिया। तो फिर मुझे धर्मा वालों का कॉल आया, दे सर कि नहीं पाजी, हमने तो डालना था, हमने इसलिए तो गवाया था ये वो। मैं कह यार मुझे ऐसा क्यों बोला? उस चीज़ का मुझे आज तक नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों बोला, तो क्या है, बट इतना इशू था। धर्मा के साथ मेरा कुछ ज़्यादा नहीं था, इट्स नॉट के आई एम ब्लेमिंग करण जौहर या कुछ, या धर्मा या अजीम, उनके साथ कुछ नहीं था। वो उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्टर ने मुझे ऐसा बोला, वही मैंने बताया।